अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो आज की जो वीडियो है ना, वो इतनी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी ना तकरीबन साल से। तो चलें जी, अब आपको मिलवाते हैं वन बाय वन सबसे। चलें जी, सबसे पहले आया गई हैं मरियम सिस्टर। अस्सलामुअलैकुम, माशाल्लाह, आ जाए। तो अब सेकंड पर देखते हैं कौन आता है। सेकंड पर जो ये जी आयशा भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइफ विद बिलाल के सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि लास्ट में कौन है। ये तो बढ़िया एंट्री रही है। ये देख, आमना आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज फाइनली बिलाल, आमना, आयशा, मरियम जाएंगी बिलाल के साथ। लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि आयशा बिलाल आमना को हम कब देखें, तो आज आप लोग देखें और लुक तो देखें बिलाल। माशाल्लाह सब प्यारे लग रहे हैं। चलो भी चलते हैं। तो सब जा कहाँ रहे हैं ये सबको पता है? नहीं, चलते हैं आज देखते हैं कहाँ जाते हैं आज। तो आज बड़े अरसे के बाद गेट ओपन करते हैं। छोटा गेट ओपन कर रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ। चलें जी, आमना आई है सबसे पहले। आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आयशा इतनी खुश है। चलो जी, आयशा को आगे बैठा देते हैं। चलें जी, आयशा आ गई हैं आगे। चलें, मैं आ गई हूँ। तो आज मैंने कुछ जिद नहीं की, मैंने कहा मेरी बहन खुश रही आगे बैठे। चलो बारी बारी आगे बैठ जाओ। मुझे शौक नहीं आगे बैठने का, वैसे मैंने सॉन्ग लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज समीना किधर है। तो ऐसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है सिस्टर्स डे आउट, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्स जा रही हैं मेरे साथ। बाकी मोमना भाभी, अम्मी समीना और अनफा और बच्चे सारे घर में हैं। उनके साथ भी कभी जाएंगे। हाँ, उनके साथ भी कभी करेंगे डे आउट। वो हमेशा साथ करते रहते हैं। तो आज काफी दिनों के बाद ना सिस्टर्स के साथ, सालों के बाद। हाँ, जाहिर है आपको पता है कि सबकी शादी हो जाती है, तो फिर उसके बाद हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। बहुत बिजी होती है। जब ना आमना की शादी हुई थी ना, बिलाल के चैनल में आमना कभी नजर नहीं आती थी, पता है। बिजी होती थी, ऐसे ही है। तो अब हम फाइनली हम फारिग हुए हैं, फ्री निकाला टाइम बिलाल ने भी, मैंने भी, तो हमने कहा चलो चलते हैं। आमना के लिए टाइम निकाला सबसे मुश्किल था। आज मैंने आमना बच्चा भी छोटा है, फिर भी आमना आई अपने भाई के लिए। थैंक यू आमना। बहुत ज्यादा ना डिमांड आ रही थी, हमने आमना और बिलाल को साथ में देखना, तो मैंने कहा चलो अभी देख लो, आज हम आ जाते हैं। ओल्ड वीडियोस देख रहे हैं लोग, नजर आ रही है चैलेंज की तुम दोनों की। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा ये क्या हो गया, इतने ट्रेंडिंग पर जा रहे थे बिलाल आमना का व्लॉग बनाए। मुझे डीएम आते थे तुम तीनों को साथ देखना। ये पहले ऐसा हुआ जब बिलाल अच्छा पैदा हुई, बिलाल को जल्दी जाना पड़ गया साथ, फिर उसके बाद मेरा बेटा हो गया, तो फिर मैं मसरूफ हो गई, ऐसे ही चलता आ रहा था। तो बिलाल मुझे आप ये तो बताएं, आपने बुला तो लिया, अब जाना कहाँ पे है? हम जाते हैं वहाँ पर जब हम शादियों से पहले अपने जाया करते थे। बस जाना है, अभी नहीं बताना। मतलब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाया करते थे शॉपिंग करने, खाने पीने हर मंथ। तो आज शॉपिंग करवानी है लगता है। ग्रोसरी शॉपिंग भी करते थे हम हर मंथ साथ। हाँ, शॉपिंग को मैं बहुत मिस करती हूँ, जब हम मैं और बिलाल और आयशा तीनों किया करते थे ग्रोसरी शॉपिंग, बड़ा मजा आता। तो वहाँ ही हम जा रहे हैं आज, मॉल जा रहे हैं, यानी कि लाहौर का जो सबसे बड़ा मॉल है ना, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, खाएं पिएंगे, एंजॉय करेंगे। जेब भी मैं टगरी करके लाया हूँ, आप देख रहे होंगे खुला हुआ है सारा कुछ। पर मेरा आज भी नहीं दिल करता है। अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ मैं बैग के बगैर आई हूँ, आयशा और मरियम जो है ना वो बैग लेके, इसका मतलब उन्होंने पैसे डाले होंगे। ये देखिए अपने बैग खाली करके लाई है और मेरी जेब फुल है। कोई बात नहीं, जेब फुल रहे। मैं तो यही है, जब से मैंने सुना है कि शॉपिंग करने जाना, मैं तो डेली वेबसाइट देख रही हूँ कौन से कपड़े पसंद करूँ, पर नहीं आए अभी तक। चलो शुक्र है नहीं आए। मुझे नहीं पता था, मुझे जाके मिलते हैं। इसका मतलब है आयशा कंफ्यूज है कि मैं प्यारी हूँ या नहीं हूँ। जाहिर है अगर मोबाइल प्यारा ना करे लोग खरीदे ही ना। तो चलें, अब आप लोगों ने ये बताना है कि आपका फेवरेट ब्रांड जहाँ से आपने शॉपिंग करनी है, नाम तो नहीं लेंगे हम। आज मैंने अपने फेवरेट ब्रांड से नहीं करनी, आज मैंने डिफरेंट ब्रांड से करनी है। इसका मतलब है घुमाना है।
अभी ना एक दो जगह से हमने कपड़े देखे हैं, अभी इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पसंद आ गया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ना फैंसी टाइप देखूँ। ओहो, 30,000 का खर्चा करवाना है इसमें। भाई मेरी बात सुनो, अभी इतना नहीं, कभी जरा आप लोगों को पता है कि सिंपल कपड़े लेने हैं, आप फैंसी जो है वो 30-40 का आता है। फैंसी 30-40 का नहीं आता, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ, आप बिलाल क्या डिसाइड करें। बिलाल आपको ना ये करना चाहिए कि आपको किंग मैन होना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए कि इसमें क्या अच्छा लगेगा। फिर आप लोगों को गाइड करना चाहिए था। नहीं, हमें लगा के चेक करो कि ये सूट कर रहा है मेरी। चलो आप देखता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि इनको कुछ पसंद तो आ नहीं रहा, तो हम सोच रहे हैं कि पहले खाना खा ले। हाँ, क्योंकि सुबह का नाश्ते किया हुआ है। हाँ, आज सब कुछ आपको पसंद का, क्योंकि चलो खाते हैं कुछ। दिन आपका पसंद मेरी। बिलाल और मैं जैसे हैं, हम ना भूखे नहीं रह सकते। हमेशा आपकी पसंद पे हम चलते होते हैं, इसलिए बचपन में जो आप कहते वही होता। मेरे पास आप देसी लोग हैं, देसी लोग बारबेक्यू खाते हैं, अगर अरे खाना खाना है वही मुझे पता है। अगर हम फास्ट फूड की तरफ जाएं तो बर्गर है, वो पिज्जा है। ये कैसे है? मैडम ही आ गई है, खुश हो गया देख के। बस बहुत जल्द आपको पता चलेगा वो चीज के आगे मैं लेना चाहती। वाह, कई चीजें पता चल गई है। देखा है, मेरे दिल को जाके लग गया। दिल को कहाँ लगा, नजर तो आ नहीं रहा। मेरे दिल को लगा क्योंकि मैं जो पहली नजर में थी, पसंद आ जाए ना वही मेरी पसंद होती है, उसके बाद में कोई रोक सकता है। उसके बाद तो मैं देख ली है, बस पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा हो रहा, लेट हुई जा रही है। खाना क्या आप लोगों ने बताना है। तो चलें जी, हम यहाँ पर फूड कोर्ट में पहुँच चुके हैं। चीट करोगे, डाइट खत्म आज। चलो जी आप बता रहे, मैकडोनल्ड खाना, पापा जॉन्स खाना है, जोनी एंड जुगनू खाना है। पापा जॉन्स भी नहीं खाना। चलो आ जाओ फिर, आप बताएं आपने क्या खाना है। ये पीछे पैसे को रखे हुए हैं चौकी मारने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना जो है ना वो कह रही है कि थोड़ा कम खर्चा करना है। हाँ। वो एक जगह पर ना 1400 में 4 बर्गर और 1.5 लीटर कोक मिल रही थी। कहती वहाँ चलते। मैंने कहा नहीं, तो इधर ये कुछ कह रही है। मैं कह रही हूँ कि ना शादी के बाद ना सब ना कम खर्चा करते हैं। मेरी फैन फॉलोइंग इतना साफा है, लोग मुझे पिक्चर्स ले रहे हैं। बस बस, मैं तो बहुत पिक्चर्स ना खेल चुकी हूँ लोगों के साथ, मुझे तो कोई मिले ही नहीं। क्योंकि वो ऐसा होता है कि लड़कियाँ होती हैं तो वो जाहिर है शर्माती हैं। हाँ, पहली बात है हम तुम्हारी फैन है, तुम्हें क्या जरूरत किसी की फैन की। जिनके लोग फैन है वो मेरी फैन है। जिनकी बहनें फैन हो ना उनको जरूरत ही नहीं किसी आम लड़कियों की फैन। चलिए जी, देखिए क्या खाना है, देखो देखो आप वो सामने से, वो नंदू से सामने नंदू है। अमला कह रही मुझे पता है बिलाल को क्या पसंद है, तो बताएं। कढ़ाई है, रेशमी कबाब है, कोल्ड ड्रिंक है, साथ सलाद है, रायता है, और साथ में इसमें कंदारी नान है, एक डील है और एक डील है। और मुझे ये वाली करो, ये वाली, ये वेजिटेबल राइस वाली मुझे ये वाली पसंद है, 8 नंबर 2। तो यहाँ पर देखें डील्स आ गई हैं सारी। तो ये देखें इसमें क्या, ये चिकन कढ़ाई है, ये काबली पुलाव है, साथ कबाब है, है और ये कंधाड़ी नान है, पता नहीं इस तरह क्या खा के आपको बताएंगे। हाँ, ये वाइट कढ़ाई है चिकन की, ये चिकन टिक्का है, ये भी चिकन, ये फिश है और ये कबाब है, रायता सलाद वगैरह सब कुछ। काबली पुलाव है, कैसा मजे का, डिफरेंट खाना चाहिए। आप भी खाएं, आप खा ही नहीं रही। बिलाल आपके फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट क्या है, मेरा फेवरेट है ये कबाब, रेशमी कबाब है। चलो जी आपको खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलो देखते हैं कि मेरी पसंद मानती है कि नहीं। चलो आ जाओ, अभी अच्छा पूरा अच्छा नहीं है। नौ
सारी शॉपिंग हो गई है, घर जाके आपको दिखाएंगे। फिलहाल ने अपनी पसंद की क्या चीजें लेके दी है, शॉपिंग हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग सारी हो गई है और सब कुछ हो गया, अब बस आइसक्रीम खाते हैं और निकलते हैं, घर चलते हैं। आइसक्रीम हमने कोई आइसक्रीम खिलानी है, आई नहीं आइसक्रीम भी शॉपिंग कर ली है, अब तो मैंने भी कर ली है। हमने बाल को आज खूब लूटा है और ना बहुत ही प्यारा सूट पसंद किया है, लूटा वैसे हम दोनों ने कभी भी लूटा, प्यारा सूट आज भी नहीं लूटा। जो सूट मैंने लिया है बहुत मुश्किल से लूटा है। चलें जी, अल्लाह लूटा तो मिल गया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आ गया। मेरी बात माने, आइसक्रीम मत खाइएगा, बात खा चुके हैं, इस बार हमें टाइम नहीं मिला, अब लाल को टाइम लगा पकड़ा है, आइसक्रीम खाएंगे। नहीं टाइम नहीं है तो आप ना खाए, लेकिन लाल के साथ मैं खाऊंगी क्योंकि चांस मिला हमें लाल के साथ आने का यहाँ पे, पता जिसको कब चांस मिलेगा, किस लिए फायदा उठाए आप। अब यहाँ पर ऐसा है कि लड़ाई हो गई है, एक बंदा कहता है कि आइसक्रीम खानी है, दो कहते हैं कि नहीं, एक कहता नहीं खानी, एक कहता खानी है, चलो देखते हैं। हमारा दिन था ये मेरी आइसक्रीम खाने का, मैं चुप इसलिए थी, मैं सोच रही क्या करूँ क्या लड़ाई करनी, देखते हैं किस्मत में हुआ तो मिल जाएगी आइसक्रीम, क्योंकि ऊपर ना जाना पड़े, हम लोग को ये हो रहा था ऊपर जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, तो अल्लाह ने साथ ही दिखा दिया। और मैंने ये वाली बनवाई है, देखते सोच अपनी बहन को खिलाऊँ झूठी, नहीं मैंने खाएगी थोड़ी सी। आज ट्यूसडे है फिलहाल और इतना रश है, सोचो संडे सैटरडे को क्या बनता है। अब ऐसा कि बढ़िया सिस्टर को आगे बिठा दिया, उनका भी दिल करता था, और ऐसा कि घर जाके आपको दिखाएंगे कि सब ने क्या क्या शॉपिंग की है। चले आगे चले, तो यहाँ पर देखें हम वापस जा रहे हैं और बारिश हो गई है, बस अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बनाए सब पे, तूफान वगैरह लोगों के कारोबार खराब हो जाते हैं, एक और बात है, जब अल्लाह ताला रहमत रखे, जब अल्लाह ताला खुश होता है ना तो वो बारिश होती है, आपको पता है। नहीं कुछ बारिश लिमिटेड होती है ना, जो रहमत की होती है, जो ओवर होती है ना उससे सैलाब आता है, अल्लाह ताला बचाए इस चीज से। चले घर आ चुके हैं, अब आपको शॉपिंग दिखाते हैं, बीवी और बेटी भी आ गई है अभी, लाल आ, तो चले दिखाएं अपने अपने सूट सब। तो मैं यहाँ पर देखे मरियम सिस्टर ने फैंसी सूट ले लिया जैसे ये कह रही थी, तो चले अब दूसरा देखते हैं, आमना दिखाती है, आमना ने कौन सा, आमना का तुमने जो पसंद किया। हाँ मरियम सिस्टर ने अपना हुड लिया इसलिए उन्होंने फैंसी ले लिया, और बिलाल ने मेरे लिए पसंद किया, ये देखें मैंने मैंने प्राइस देखी थी, मैंने कलर ये हां देख ली थी प्री कैसी कलर के साथ, और साथ में ये ट्राउजर है, तो थैंक यू सो मच बिलाल, सलवार लग रही है, सलवार है, ट्राउजर है, ट्राउजर, थैंक यू सो मच बिलाल आपने मेरे लिए प्लाजो है पसंद किया, फिर ये हुआ कि आमना ने कुछ और पसंद किया था, पर फिर बाद में आमना को ये पसंद आ गया, तो दोनों एक जैसे पहनेंगे, ट्विनिंग करेंगे, देखें ये आयशा आमना एक ही कपड़े लेती हैं, तो ये बहुत अच्छा है, और जैसे बचपन में बच्चे ना थे माए एक कपड़े पहनाती हैं। चलो जी अब ऐसा है कि तीनों को सूट मिल गया, ठीक है, अब ऐसा है कि जिसने मतलब कि इस वीडियो को बनाने का आइडिया दिया, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ऐसा था कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, तो समीना ने प्लान किया इस वीडियो को, तो ये जो है ना समीना के लिए है, ये थैंक यू सो मच बिलाल के साथ के, चलो देखते हैं कैसा है, समीना के साथ क्या है, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं, ब्लू वाले जो है, सारे ब्लू हैं, ये देखो समीना के साथ कलर आया, इसलिए हम तीन यहां तीन नंबर चार ने सोचा कि माशाल्लाह, इधर देखो, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत सरप्राइज हो गया मेरे लिए, सरप्राइज भी देखे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, चलो ये पहनो फिर, तो आइडिया इसीलिए बिलाल कह रहे हैं क्योंकि हम बहुत देर से प्लान कर रहे थे, तो मैंने सोचा बिलाल जो है ना जरूर जाए, आमना बाजी के पास भी टाइम क्योंकि बच्चे हैं दो, तो इस तरह से फिर मिल के हमने टाइम सेलेक्ट किया, समीना सबसे पहले आइडिया दिया कि ऐसी वीडियो बनानी चाहिए आपको, तो फिर मैंने आयशा को और आमना से देखा कि टाइम निकल रहा है इस दिन का, जिस दिन मैं भी फ्री हूँ आमना भी फ्री हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम निकला, थैंक यू आपने मुझे याद रखा, वरना आयशा मरियम तो घर नहीं होती है ना, अब शादी हो जाएगी टाइम निकालना मुश्किल होता है, ये मत कहिए समीना इस वीडियो में क्यों नहीं आई, मैं यही चाहती थी कि बिलाल जो है हाँ। अपनी बहनों के साथ स्पेंड करे, मरियम बाजी की भी चैनल है उनका भी, और वो सबको मतलब बिजी होते हैं इसीलिए हाँ। किसी को ना टाइम नहीं बन पाता, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप ये ना सोचे कि रोज ही ऐसी वीडियो आएंगी, मतलब आएंगी टाइम के साथ साथ, लेकिन अब जैसे पहले जमाने में होता दो तीन साल पहले, वो ऐसा था कि एक चैनल था हमारा लाइव विद आमना, हम उसी में चलते रहते, लेकिन आते जाते रहेंगे मेरे चैनल में, वो तो आते रहेंगे, जो भी आएंगे लाइव विद आमना में भी आएंगे, आयशा लाइफस्टाइल में भी आएंगे, मोमना में तो
तो बस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी लाइक करें, ज्यादा लाइक करना है, बताना आपको हम मतलब बहनों के साथ जो हमारा डे आउट था कैसा, और आप सबने बताना कि इन चारों सूटों में से कौन सा सूट आपको पसंद आया है। ठीक है, मुझे तो चारों पसंद है माशाल्लाह, सब अच्छे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।